For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. महज कुछ ही समय पहले की बात है जब सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म टोटल धमाल में वो एक स्पेशल आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी। हालांकि इस बारे में उस वक्त कोई और अपडेट शेयर नहीं किया गया, लेकिन अब फाइनली इस आइटम नंबर के फर्स्ट लुक को रिवील किया गया है, जहां सोना सोने जैसी चमचमाती नजर आई। जी हां, इस फर्स्ट लुक में जहां अजय एक वे टू कूल लुक कैरी करते नजर आए, वहीं सोनाक्षी सिन्हा एक गोल्डन शिमरी ड्रेस में दिखाई दी। वैसे साथ में ये भी बता दें, फिल्म इकरार से गाना मुंगा के रमेजे वर्जन को फिल्म टोटल धमाल में एक आइटम नंबर के तौर पर पेश किया जाएगा। वेल, अब बात करते हैं इस फिल्म की। अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर टोटल धमाल इस साल दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में बड़े पर्दों पर दस्तक देगी। मैं हूँ मैरी लवली और बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड स्पाई। सलमान खान करेंगे लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन की ग्रैंड डॉटर प्रण नूतन को लॉन्च। वैसे तो सलमान खान कई बी टाउन एक्टर्स को बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं और अब वो अपने जिगनी दोस्त मोहनीश बाल की बेटी प्रण नूतन बाल को भी बॉलीवुड फिल्मों में लॉन्च करने जा रहे हैं। बता दे दोस्तों, प्रनूतन जो कि पेशे से एक वकील हैं, वो डेब्यूटेंट एक्टर जाहिर इकबाल के ऑपोजिट नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनने वाली फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। साथ में ये भी बताते चले दोस्तों, इस दिन प्रनूतन के बॉलीवुड डेब्यू की बात फैंस के साथ शेयर करते हुए सलमान ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये लो जाहिरों की हीरोइन मिल गई, स्वागत करो प्रनूतन बहल का। Proud to introduce Nutan ji's granddaughter and Monya's daughter to the big screen. वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें, जाहिर इकबाल सलमान के दोस्त के बेटे हैं, जिन्हें वो अपनी प्रोडक्शन तले बनने वाली अगली फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में दोस्तों, हमें जरूर लिख भेजें नीचे कमेंट सेक्शन में।